मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री तिलसिवा स्थित डीएवी स्कूल मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। इनमें 131 करोड़ रुपए के 213 कार्यों का भूमि पूजन, 172 करोड़ रुपए की लागत के 78 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेज हुई है। देश में जहां आर्थिक मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कारण आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हुई है। वही केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के वादे के मामले में कहा कि सरकार बेरोजगार को रोजगार दे रही है। वहीं निगम मंडल के नियुक्ति के मामले में कहा कि आपस में कोई गतिरोध नहीं है, जल्द ही नियुक्ति होगी। सूरजपुर पुलिस ग्राउंड में जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा, भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े, जिला अध्यक्ष कांग्रेस भगवती राजवाड़े ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। करोड़ों के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरे प्रदेश में जहां धान खरीदी केंद्रों में सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी की व्यवस्था की जा रही, किसानों की किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं खुद भी कई जिलों के अनेक धान संग्रहण केंद्र में मैं खुद निरीक्षण करने गया और किसान इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। गौठान भी हम लोग देखने गए थे, गौठान में भी नए नए नवाचार हमारे स्व सहायता के बहने हैं वो कर रही हैं। आज अंबिकापुर में हमारी स्व सहायता के बहनों ने एक कंपनी के साथ वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करने के एमओयू किए हैं। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है कि स्व सहायता समूह के जो महिला है वो किसी कंपनी के साथ एमओयू करे। ये बड़ी घटना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सब साथियों के बीच ये संपन्न हुआ, तो इस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। वहीं जो वन अधिकार के पट्टे हैं और सामुदायिक दायित्व के पट्टे हैं वो भी वितरित किए जा रहे हैं। सर, किसान बिल का विरोध करते हुए आज 20 दिन हो गए, सर क्या लगता है क्या कमियां हैं, वापस होनी चाहिए बिल या फिर उसमें सुधार होनी चाहिए? देखिए, सीधी बात है कि ये जो बिल की मांग जो पारित किए हैं केंद्र में सरकार ने, उसे किसी किसान संगठन ने मांगा नहीं था। और ये जो बिल में 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि निजी क्षेत्र में मंडी खोले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो मंडी है उसकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी धीरे धीरे। और बिहार में जो हालत है, आज 1000 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर हैं, तो समर्थन मूल्य में खरीदी भविष्य में नहीं होगा, इसलिए विरोध। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किसान कर रहे हैं कि इससे किसान अपने खेत में ही मजदूर हो जाएंगे। तीसरा, जो एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु अधिनियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इसमें जमाखोरी बढ़ेगी। अभी आपने देखा, ये कानून बनते ही जो आलू और प्याज की कीमत 10 रुपये और 20 रुपये था, वो 50-60 से लेकर 150 रुपये तक हो गया था। तो इस कारण से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल जायज उनकी मांग है। जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किया गया है, वही व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। भारत सरकार है वो समर्थन मूल्य में खरीदी करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोजगार के नए नए अवसर दे रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि अभी करीब 25 से 30 हज़ार नौकरियों की भर्ती हुई, चाहे शिक्षक हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे गृह विभाग में हो, और आगे भी इसी प्रकार के बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं जिसके माध्यम से हम लोग रोजगार नए नए खोल रहे हैं। चाहे लघु अनुपात से जुड़े हुए जितने भी, उसमें वैल्यू एडिशन करना है वो भी कर रहे हैं। गाँव में जो गौठान है उसमें जो रूरल इंडस्ट्री पार्क है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे 6000 गौठान बन चुके हैं, 3700 गौठान एक्टिव हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। तो सर, निगम मंडल को लेकर कोई गतिरोध जारी है क्या? बहुत जल्दी उसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। किसान के आंदोलन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और ये खुलेआम है। लेकिन 2011-12 में जो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि उसका आपने समर्थन किया था कि नहीं किया था।
आरएसएस उसमें शामिल थी कि नहीं शामिल थी, ये वो लोग बताएं। यदि समर्थन कर रहे हैं तो फिर लोकपाल बिल का क्या हुआ, वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, ये बताना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।